बिजनेस में आपको ऐसा बता रहा हूं जो गांव में रहते हैं तो ये धड़ाधड़ चलेगा, कम बजट में कम रुपए लगेगा, कम पूंजी लगेगा और ये आपको महीने का 20-25-50 पता नहीं लिमिट नहीं है कितना रुपए कमा के देगा। इसमें से तो एक बिजनेस ऐसा है कि अगर आपके पास पूंजी नहीं भी है फिर भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम राजेश है और आप ये देख रहे हैं गरीब का बिजनेस। जी हाँ, हर भाइयों की मैं मदद करना चाहता हूं, ऐसे लोगों का जो वास्तव में बेरोजगार है, गरीब है और सोच रहे हैं मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं उनकी हेल्प के लिए ये सब वीडियोज बनाता हूं। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं, जी हाँ इस गरीब का बिजनेस जो चैनल है, अगर आप नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। ये मेरा मतलब मेहनत का फल है, एक लाइक आप लोग लाइक करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए कहता हूँ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, इसका पैसा वैसे नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। सबसे जो पहला बिजनेस है दोस्तों वो है ठेकेदारी का। अब ठेकेदारी में कौन सी ठेकेदारी, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत दुनिया में ठेकेदार पड़े हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एक ऐसा ठेकेदारी जो गांव में मैंने देखा है कि बहुत प्रॉब्लम होती है और हर इंसान को जरूरत होती है, लेकिन अब करे तो क्या करे, कोई ऑप्शन ही नहीं है गांव में। शहरों में हालांकि है लेकिन गांव में तो नहीं होता है। तो ये बिजनेस 12 महीना चलने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला ठेकेदारी, ठेकेदारी जानते हैं, ठेकेदारी। अब देखिए ये ठेकेदारी कौन सा होता है। अब कोई व्यक्ति है जो कहीं जॉब करता है, कहीं जॉब करता है, कोई व्यक्ति है, जॉब समझते हैं नौकरी, कहीं नौकरी करता है। अब वो पैसे कमाता है महीने का कितना, 25,000 रुपया। 25,000 रुपया वो कितना कमाता है, महीने का कमाता है। अब उसको घर बनाना है, अब अपना वो 25,000 महीना कमाता है, गाड़ी खरीदेगा, घर बनाएगा, मतलब करेगा ना। तो अब वो नौकरी करता है, अकेला है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पत्नी मतलब पत्नी है, तो अब पत्नी जाके थोड़ी ना काम कोई करवाना होगा या कुछ करना होगा तो करेगी, वो तो करेगी नहीं। तब वो ढूंढता है किसी बंदे को, एक ऐसा बंदा जो विश्वासी हो, सच्चा हो, ईमानदार हो। तो उसको बंदा जल्दी सही लोग नहीं मिलते हैं, उस व्यक्ति को जो नौकरी कर रहा है उसको सही लोग नहीं मिलते हैं। तो नहीं मिलते हैं तो उससे वो परेशान रहता है, ठीक है। और मैं देख रहा हूं कि गांव में ज्यादा ये परेशानी है। परेशानी क्या है, जैसे मान लो उसको घर बनाना है, घर मैं आपको समझा रहा हूं समझिएगा। अब उसको घर बनाना है तो अब वो क्या करेगा, एक बंदे को तलाश करेगा जो घर बनवा सके उसका, है ना। वो ठेकेदार नाम देते हैं लेकिन वो एक ऐसे इंसान को ढूंढता है जो उसका घर को बनवा दे, क्योंकि वो तो करता है जॉब, नौकरी करता है, तो अब वो नौकरी छोड़ करके घर पे थोड़ी रहेगा वो बनवाने के लिए। वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा, एक ऐसे ठेकेदार को ढूंढेगा जो ईमानदार हो और वो उस काम को करा ले। अगर आपको राजमिस्त्री का काम आता है तब तो बढ़िया है, नहीं आता है तब तो और भी बढ़िया है, क्योंकि आप अच्छे तरीके से समझेंगे, समझिएगा। अब मान लो कि आपको काम नहीं आता है, आप राजमिस्त्री का काम आपको नहीं आता है, आप एक ऐसे इंसान है जो 10-12 तक पढ़े हैं और सोच रहे हैं कि यार कोई काम धंधा मिल जाए। तो ऐसे लोगों, अगर इस तरह का कहीं आपने ठेका लेने का प्रयास किया या फिर किसी का काम कराने का प्रयास किया तो उससे लोगों का विश्वास आप पे होगा, अगर आप ईमानदारी से काम करा रहे हैं तब, बेईमानी से नहीं यार, झूठ बोल के नहीं, क्योंकि आपको तो अंदाजा भी नहीं है। आप उस व्यक्ति को ये बोल सकते हैं कि भाई जो लेबर का आप 300 रुपये देते हो, है ना, वो मुझे सिर्फ 300 रुपये मुझे ही देना और मैं आपका काम करवा दूंगा। काम बोले तो जैसे कोई मिस्त्री को रखवाना, कोई लेबर को रखवाना, सीमेंट गिट्टी छरिया बालू जो भी लगता है उसको सही टाइम पे मंगवाना, कहाँ से आएगा, मतलब मुझे 300 रुपये दिहाड़ी देना और मैं आपका काम करवाऊंगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। और अगर अनुभवी हैं, जैसे अनुभव है आपको पहले से कि एक घर बनाने में, एक कोठरी, एक रूम बनाने में कितना खर्च लगेगा, कितना मजदूरी लगेगा, कितना क्या लगेगा, अगर आपको पता है ये सब बातें, तब तो उस व्यक्ति से आप ठेका ले सकते हैं। लेकिन अगर पता नहीं है तो ये बोल सकते हैं कि भाई मुझे 300 रुपये की दिहाड़ी देना, 400 रुपये की दिहाड़ी देना, 350 की दिहाड़ी देना, जो एक लेबर को दे रहे हो वही दिहाड़ी मुझे देना, लेकिन मैं आपका काम करवा दूंगा, आपका काम मैं आसान कर दूंगा। समझ रहे हैं, जो लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, एक बार आपको किसी के सामने ना काम मांगना पड़ता है, एक बार अगर एक बार आप किसी के सामने अपना काम मांग लेते हैं तो उसके बाद से लोग आपको जान जाते हैं, आपकी मतलब नाम फैल जाता है कि वो व्यक्ति घर बनवाता है, वो व्यक्ति यही काम करता है, उससे संपर्क हो। आपको पता है इस दुनिया में बहुत से बिजनेसमैन है, बहुत से नौकरी के लोग हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं लेकिन अब मजबूरी है उनके पास, अब किसको विश्वास करें, किसको पैसे दें, किसको बोले तू मेरा घर बनवा दे, उनको एक प्रॉब्लम है। ये
आप मेरी बात को पता नहीं समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं तो देखता रहता हूं गांव में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, और मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। आपको कारीगरी नहीं आती है कोई बात नहीं, चाहे तो सीख सकते हैं, 6 महीना 1 साल लगे किसी के साथ, लग करके और ज्यादा हुनर कमाइए। क्योंकि आजकल तो मैं देख रहा हूं कि 700 रुपये दिहाड़ी है राजमिस्त्री का, प्लस अगर वो ठेका लेके कर रहा है तो फिर अपना अलग बचाएगा। इसलिए कह रहा हूं अगर कारीगरी नहीं आती है तो 300 रुपये लेकर के सीखो, 1-2 जगह ऐसे काम कराओगे ना तो फिर आपका नाम फैल जाएगा, और नाम एक बार बन गया फिर आप कराते रहो काम। अरे काम जब आपको पता लग जाएगा तो आप महीने का 50,000 रुपया कमाओगे, 50,000 रुपया, इस बात को समझो, है ना। जो पैसे वाले लोग होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि इसमें कितना मैं दे रहा हूं, वो ये देखते हैं कि मेरा समय कितना बच रहा है, उनको समय की कद्र होती है, समझ रहे हैं ना। तो अपना समय बचाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि मैं अपना नौकरी छोड़ करके छुट्टी लेकर के यहाँ पे बैठ करके लेबरों के साथ बैठ करके गप्पे मारूं या काम कराऊं, वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं अपना जो कर रहा हूं करूं, लेकिन एक ऐसा विश्वासी आदमी, एक ऐसा मतलब आदमी मिल जाए जिसको मैं पैसे दे दूं और मेरा काम करा दे पूरे ईमानदारी से, ठीक है। तो ये एक मार्केट है, ये काम है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कुछ इस टाइप से आप कर सकते हैं। ये 12 महीना चलने वाला है, ठंडी गर्मी बरसात कोई भी मौसम चल रहा हो, अंदर का काम है बाहर का काम है, मतलब चलता ही रहता है, कराने वाले लोग कराते हैं, इसमें कोई डरने और घबराने वाली बात नहीं है, आप इसको करा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा बिजनेस। दूसरा बिजनेस ये है जिसमें यदि आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं इसमें आप इन्वेस्ट करके, और ये भी 12 महीना चलने वाला है, 12 महीना बोले तो मैं आपको बता रहा हूं कपड़े का बिजनेस। अब देखिए कपड़े का बिजनेस सुनकर के भागना मत, आप समझ लो पहले मैं जो बता रहा हूं आपको, कपड़े का बिजनेस दुकान खोलने की मैं बात नहीं कर रहा हूं। देखिए गांव में मैंने देखा है कि पैंट और शर्ट की जो सिलाई है, पैंट शर्ट की 400 रुपये है, 450 रुपये है, 500 रुपये लोग लेते हैं पैंट और शर्ट की सिलाई। और मैं आपको बता दूं शहरों में मैंने भी देखा और आपने भी देखा होगा कि शहरों में 100-150 रुपये में पैंट शर्ट मिल जाता है, सेकेंड हैंड का मिल जाता है, और गांव में लोग जो हैं वो सोचते हैं कि हमें सस्ता मिल जाए। आप यदि चाहें, अगर कोई लिंक है, कोई मतलब बिजनेस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं तो शहरों से माल मंगा करके गांव में बेच सकते हैं। जो बंदा 450 रुपये सिलाई दे रहा है, फिर 500 रुपये का कपड़ा खरीद रहा है, 1,000 रुपये उसका पड़ रहा है पैंट शर्ट का, 1,000 रुपया। अब बताओ 1,000 वो देगा या 150-200 में, अगर 150 में आपको वहां मिल रहा है, यहाँ पे 250 में बेचोगे ना पैंट शर्ट तो बिक जाएगा, आराम से बिक जाएगा। और एक सीट पे अगर 100 रुपये भी कमा रहे हो, 100 रुपये दिन भर में पता नहीं कितने सीट पैंट शर्ट बिकेगा, 1,000-2,000 पता नहीं, लिमिट नहीं है कितना रुपया आप कमाओगे। तो ये अगर आप चाहो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओगे ना तो ऐसे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे शहरों में, वहां से मंगा करके गांव में, और इस पे आप बेच सकते हो। अब जो किराया भाड़ा लगे, जो भी आपका लगे, वो सब आप समझ लेना, मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं ज्यादा टाइम आपका लेना नहीं चाहता। आप ये बात समझ गए होंगे कि शहरों से मंगा करके गांव में उसको बेचना है, ठीक है। तो चलिए ये मेरा था दूसरा बिजनेस, कपड़े का बिजनेस। अब मैं आपको बता रहा हूं तीसरा बिजनेस। तीसरा बिजनेस जो कभी बंद नहीं होगा ये है रेडी। रेडी पे चावल छोले, हजार बार बता चुका हूं, कुछ नहीं समझ आ रहा है ना तो ये लगाना शुरू कर दो, चावल छोले पूरी सब्जी जो भी आपको समझ आ रहा है कि यार ये बेचने से फायदा है, इसको मैं बेच सकता हूं, ये इसका कस्टमर बहुत ज्यादा है, और 12 महीना आपके पास लोग आएंगे खाने के लिए किसी फैक्ट्री के आगे। किसी गांव में तो फैक्ट्री छोटी छोटी होती है, या फिर किसी मार्केट में, या किसी स्कूल के पास, कॉलेज के पास लगाओ ना रेडी, यार कौन रोका है, कोई नहीं रोका है, सिर्फ हमें और आपको, अब मेरा मन ही रोकता है, आपका मन ही रोकता है कि भाई लोग क्या कहेंगे, वो घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, यही सोच करके हम नहीं करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि वहां पे खड़े रहूंगा, वहां पे 1,000 रुपये रोज कमाऊंगा, हमें भी पता आपको भी पता है, लेकिन हम लोग नहीं करेंगे। तो यार इसका कोई उपाय नहीं है, इसको आपको ही समझना पड़ेगा कि भाई जिंदगी बनानी है तो एक बार चैलेंज लेना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, लोगों की ताने बेइज्जती सब कुछ सहना पड़ेगा। और एक बार अगर समझ लिया, 2-3 लाख 5 लाख रुपए हो गए, फिर जो मर्जी करो, फिर आप बड़ा धंधा करो, कोई बड़ा काम करो। तो मैंने सोचा यार ये छोटा एक वीडियो बनाते हैं जिसमें 3 बिजनेस मुझे समझ आया कि कभी बंद नहीं होगा, वो मैंने आपको बताया। आपको कौन सा ठीक लगा कॉमेंट कीजिएगा, और शायद मैं जो समझाना चाहा आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियोज को लाइक कीजिएगा, चैनल में आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशी बांटते रहिए। जय हिंद।